बढ़ते आगे, विदिशा से भोपाल आ रही कांग्रेस की संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा को पुलिस ने लंबा खेड़ा में रोक दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह की दखल के बाद यात्रा फिर शुरू हुई और भोपाल पहुंची। इस दौरान दिग्विजय सिंह से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने खास बातचीत की है, इस यात्रा का मकसद जानने की कोशिश की है। कांग्रेस की विदिशा से शुरू हुई संविधान बचाओ यात्रा को भोपाल के करीब लामा खेड़ा में रोक लिया गया। पुलिस बल के बीच में तमाम यात्रा को आगे बढ़ने से रोका गया। उसके बाद मौके पर दिग्विजय सिंह पहुंचे और यात्रा को आगे की तरफ बढ़ने का इजाजत मिली। मेरे साथ मौजूद है, सीधे बात करते हैं। मुझे जानकारी मिली सुबह 7:30-8 बजे जी, तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की, वो आज छुट्टी पर है जी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये 12 दिन से यात्रा चल रही है और आदिवासी लोग इसको चला रहे हैं, तो इसमें आपको यात्रा जब है देश में सब क्या लग रहा है आपको कि संविधान बचाने की जरूरत पड़ रही है? अनुसूचित जाति जनजातियों पर अत्याचार बढ़ गया जी, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने आस्था के आधार पर धर्म का पालन करने के लिए रोका जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है जी। जो संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का जी, उस पर लोगों को बंद किया जा रहा है, बिना चार्जशीट के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, ये सब आज देश में हो रहा है। अभी सर आपने काफी यात्रा की, तमाम जनाशय यात्रा में निकले, आप किस तरह का माहौल दिख रहा है सर? कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी।